तो हेलो गाइस, मेरा नाम है नोमैड दूसरा के नए वीडियो के साथ में। तो आज का जो पहला अपडेट है वो बाबू भैया के बारे में। तो बाबू भैया केदारनाथ गए थे, केदारनाथ में उनका एक्सपीरियंस कैसे रहता है एक शॉर्ट वीडियो से समझते हैं। 150 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे। भयंकर कप कॉफी हो गया ना, बाहर रंग हो गया, पूरी ठंड अंदर चल गया और ठंडी हो चल रही है ग्लेशियर की। बता देता हूँ गाइस, बिग बॉस बाबू भैया जा रहे हैं बिग बॉस फाइनल। मंदिर में चोरी, वो शूज ना बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा, एंड वो शू किसी ने टपा दिया। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप अ गुलाबी दिल एंड भगवान केदारनाथ जी आपके सारे विषय। तो बाबू भैया की तो केदारनाथ यात्रा पूरी होगी, तो आपकी कब होगी ये आप जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसका जो सेकंड अपडेट आती है वो है बिंदास कावे के बारे में। तो बिंदास कावे कल रात को एक ट्वीट करती है जिसमें वो लिखती है कि उनको 1 लाख का ऑफर आता है मकर संक्रांति पे, जिसमें उनको बोला जाता है कि एक कार्ड लेके हाथ में खड़े रहिए और उस पे लिखा हो डोंट किल इनोसेंट बर्ड इन मकर संक्रांति। और उसी के आगे वो बताती हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उनको 1 लाख का ऑफर आ सकता है, तो चूराठी को कितना मिलता होगा। अब दुराठी की बात आई गई है तो आप लोग को एक और इंसिडेंट के बारे में बता देता हूँ। तो कल स्काउट भाई, अपने गेम वाले स्काउट भाई, उन्होंने एक स्टोरी रखी जिसमें वो कुछ इस तरीके से मैनिपुलेशन बता रहे थे लोगों को। और मैनिपुलेशन पे इस समय सबसे ज्यादा कौन फेमस है आप लोग को तो पता ही होगा, दुराठी। उन पे ये सारे एलिगेशन लग रहे हैं मैनिपुलेशन के, पर स्काउट भाई ने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था वहां पर, तो कहीं ना कहीं वो दुराठी की तरफ भी हो सकता है और उनकी तरफ नहीं भी हो सकता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। पर सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो एक लाइक तो मार दो।